Sure. हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास, मैं आपका सबका सेहत एजेंसी स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे ये फास्टैग रिप्लेक्स जो ब्रांड है अपना स्मार्ट ब्रांड है, उसे कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से कस्टमर को इसका प्रॉब्लम है कि इसे कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये देखिए, ये वाला ब्रांड है, आप बहुत से लोगों ने दिया भी रहेगा। कभी कभी क्या होता है, ब्रांड जो है हम लोग पेयर करते हैं और अचानक से अनपेयर हो जाता है, तो ये ब्रांड जो इसको पेयर करने के लिए फिर से क्या क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, सबसे पहले तो आपको जो ऐप है फास्टैग ऐप डाउनलोड करना है। आपके पास सबके पास तो स्मार्टफोन रहेगा ही, ठीक है। स्मार्टफोन में आप जाएंगे तो आपके जो प्ले स्टोर में आप जाएंगे, प्ले स्टोर में जाके आप डाल सकते हैं फास्टैग रिप्लेक्स। ये भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मैं फास्टैग रिप्लेक्स स्मार्ट बैंड। जैसे ही आपको ये दिखेगा यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने ये ऐप जो है इंस्टॉल करके रखी है। ये देखिए, इंस्टॉल मेरा ये ऐप है, ठीक है। तो जैसे ही अभी मैं इसको ओपन करूँगा, आपको पहले ऐप डाउनलोड करना है फिर ओपन करना है। जैसे ही आप ये ऐप ओपन करते हैं तो आपको देखिए इसमें जो आएगा, ठीक है। अभी ये वाला जो ऐप है ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल, इसलिए पूरा दिखा रहा है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मेरे पास जो जो अपने सेटिंग में जाना है, आपको सेटिंग में जाकर आपको आपका नेट सबसे पहले ऑन करना है, आपका लोकेशन आपको ऑन करना है, उसके बाद आपका ब्लूटूथ आपको ऑन करना है। ये तीन चीज़ें आपकी ऑन होती हैं तो आपका जो फास्टैग बैंड है आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी मेरी सब चीज़ें ऑन है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ से ये फास्टैग रिप्लेक्स इसमें से आप जाएंगे। ये जो प्रोसीजर है मैं आपको पहले से फिर से बताता हूँ, ठीक है। मैं ये जो ऐप है मैं अन इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ तो आपको बेहतर इसकी जानकारी मिलेगी। देखिए ये भी इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। इस तरह आपका जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आपका ऐप डाउनलोड होता है तो आपको जिस नंबर पे ये वाला जो फास्टैग बैंड आपको कनेक्ट करना है तो आपके मोबाइल नंबर से ही आपको कनेक्ट करना है। जैसे ये आपका डाउनलोड होता है मैं इसे ओपन करूँगा, ठीक है। ये ऐप है अपना डाउनलोड हो जाए फास्टैग रिफ्लेक्स। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो आपके सामने जो है विंडो, ऐसी विंडो आएगी। इसमें आपका जो है आप किस मोबाइल नंबर से आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें आप आपका ऐसे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अभी ये मैं मेरे मोबाइल से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं अभी मेरा खुद का नंबर डालता हूँ। देखिए नंबर आपको डायल करना है, जो आपका मोबाइल नंबर आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं, 99, ये मेरा नंबर है, ठीक है। नंबर डालने के बाद आप यहाँ देखिए जो आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर क्लिक करना ना भूले। अगर ये नहीं करेंगे आपका वो जो है ये जो है कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इस पर फिर आप हम लोगों को एक जो है एक OTP कोड आता है, वन टाइम पासवर्ड, उसके लिए हम यहाँ पे ये किया है। देखिए मेरा फ़ोन अभी वेरीफाई हो चुका है, मुझे OTP आएगा विद इन 60 सेकेंड में एक OTP आता है, इसलिए यूज़ वन टाइम पासवर्ड जो अभी मुझे आया है 927045, आपको ऐसा एक OTP कोड आएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे कनेक्ट करके रखा हुआ है तो ये यहाँ पे आया हुआ है कि द नंबर जो है मेरा इज ऑल रजिस्टर्ड, ये ऑल रजिस्टर्ड है इस नाम से। तो मैं ये पूछ रहे हैं कि आपको कनेक्ट करना चाहते हैं कि इसी नाम से, तो ठीक है मैं हाँ मुझे करनी है, मैं इसी नाम से एज करूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर OTP कोड आता है, यहाँ पर आपको पूछा जाता है अगला जो है कि आप कौन से बैंड को आप इसे पेयर करना चाहते हैं, चूज योर बैंड। इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि बैंड पे कोई नंबर अगर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली तीन टाइप के कलर्स आते हैं जो आप इसमें देख रहे हैं, एक है ब्लू जो फिज़िकल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, दूसरा आता है ब्लैक जो है, ये देख सकते हैं ब्लैक कलर है मेरे पास, ये ब्लैक वाला है, और एक है पर्पल। इसे तीन कलर में ये अवेलेबल है, ठीक है। इसमें आप इसमें आएगा आपको चूज योर बैंड। तो इसमें आप देखिए अभी इसमें जो ब्लू का जो आता है 15 अराउंड आता है, यहाँ पर आया है लास्ट में जो आ रहा है 16, और यहाँ पे 17। अगर आप 16 पे एक पेयर करेंगे तो आपका जो है ब्लैक वाला पेयर होता है, अगर आप 17 पे इसको टच करेंगे तो ये आपका जो है ये आपका पर्पल वाला पेयर होता है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं मुझे ब्लैक वाला है, मेरे पास ब्लैक बैंड है, मैं ब्लैक बैंड से इसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर जो है 16 पे मैं इसके
क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पेयरिंग योर बैंड आपको यहाँ पे दिखा, मेरा जो मोबाइल है बैंड के साथ पेयर हो रहा है। देखिए अब ये जो बैंड है मेरा पेयर हो चुका है ऑलरेडी। जैसे ये पेयर होता है तो ये जो बैंड है वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो अभी याद है योर बैंड इज सक्सेसफुली पेयर्ड, ये पेयर हो चुका है। इसके बाद आती है आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जैसे कि नेम है, यहाँ पे मेरा नाम बोले डाल कर रखा है विकास, मेरा ईमेल आईडी है, मेल और डेट ऑफ बर्थ है, तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे इसे आपको डालनी है। जैसे आप डालते हैं आप ये मैंने डाली इसलिए मुझे अपडेट कर लिया, आपको यहाँ पे सेव ऑप्शन आएगा, तो इसी ऑप्शन आता है यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। जैसे अभी ये सेव होता है तो पूरा जो मेरा ये जो है ये पूरा साइनिंग हो चुका है, ठीक है। अभी आप इसमें देखना चाहेंगे कि मुझे अगर कोई कॉल आ रहा है इस पर देखिए, इसमें आपको क्या क्या नोटिफिकेशन मिलती हैं, कॉल्स हैं, सॉफ्ट